गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग कुछ नया काम सीखेंगे, क्योंकि जो भी हम किया अब तक, तो वो तो पेंसिल ड्राइंग, स्केच, लाइंस, जो भी कलर्स भर करके आए, तो वही सब करना है हमें। तो फिर उसका नाम अलग है, और हम लोग एक किस तरीका से हम लोग बुक कवर जैसे बनाते हैं, बुक कवर हम एक प्रिपेयर कैसे करते हैं वो दिखाने जा रहा हूँ मैं अभी। जैसे देखो, इजी प्रोसेस है, हम लोग डायरेक्ट कलर उठाएंगे और कलर फेंकेंगे, जो जैसे मन है आपको उसी तरीके से आप बुक कवर बना सकते हैं। तो वही दिखा रहा हूँ मैं अभी, जैसे अभी शुरू करने जा रहा हूँ मैं बुक कवर किस तरीके से बनाएंगे। जैसे देखो, ये पेज है मेरा ए फोर साइज, तो ए फोर साइज में मैंने दो पार्ट बनाए, जैसे ये बड़े हिस्सा और ये छोटे हिस्सा, ठीक है। और इसमें हम बड़े हिस्सा में हम काम करेंगे, क्योंकि इसमें हम शुरू देंगे, तो इसी में बनाना है बुक कवर। जैसे किस तरह का बनाएंगे हम, तो बीच में छोटे से एक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या गैप छोड़ेंगे, जैसे ये लाइन दिया मैंने, हाँ, फिर यहाँ से लेके इस तरीके से, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट कलर लगाएंगे। जैसे देखो, मैंने बहुत सारा पहले मैंने सिखाया लैंडस्केप, वाटर कलर में जो भी है, कंपोजिशन, लाइफ स्टडी, पोर्ट्रेट, ये सब सारा सीखा गया। डिज़ाइन में बहुत सारा डिज़ाइन सीखा है मैंने, नेचुरल डिज़ाइन, ऑर्नामेंटल डिज़ाइन और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, ये सारा डिज़ाइन देखा क्या है मैंने। उसी चीज़ से लेके हम अभी क्या है एक बुक को बार बनाएंगे, मतलब वह सब किस तरीके से बनाएंगे हम डायरेक्ट कलर से। जैसे आपको भी कुछ आ जाए ये सब करने, जैसे मैं देखो डायरेक्ट डायरेक्ट कलर लगाएंगे इस तरीके से, डायरेक्ट डायरेक्ट कलर लगाएंगे, तो इसी में कलर उठा और कलर लगाओ इसमें, और नया एक क्रिएटिव भी काम होगा और बुक कवर भी तैयार हो जाएंगे हम लोग का। सिर्फ इसी तरह कलर लगाएंगे एक ही साइड से, जो भी कलर आ रहा है वही डालो आप, तो फिर हमें नया काम देखने को मिलेगा। जो प्रैक्टिस करेंगे, पेंसिल शेडिंग करेंगे, पहले वैसे बोल के आया मैंने, तो उतना ही मतलब क्या है, आप कलर डालते ही आपको लगेंगे हाँ कुछ तो नया काम निकल रहा है। तो इसी तरीके से आपको सीखना है काम, कलर, पेंसिल, पेपर, जब तक आप ये सब वेस्ट नहीं करेंगे, कर करके मतलब बेकार नहीं करेंगे, तब तक कुछ सीखेंगे नहीं। तो इसी तरीके एक्सपेरिमेंट करना है आपको, तब जाके आप काम सीख सकते हैं। एक ही बार में कोई कलाकार नहीं बन सकते। कंटिन्यू में दे कलर डाल रहा हूँ मैं अभी, में लाइट भी डाल सकते हैं, डार्क भी डाल सकते हैं, आपका मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप बुक कवर बना सकते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन खींचना है मुझे इस तरीके से, आप जितना स्पीड ब्रश चलाएंगे उतना क्या होगा, आपका काम भी सही रहेंगे। और इसी काम को हम क्या बोलेंगे, एक तो हम लोग का नाम दिया हुआ है बुक कवर बनाने जा रहा हूँ मैं, और इसी जो कलर लगा रहा हूँ, कलर टेक्निक क्या है इसका पेस वर्क, यानी पेस कलर, मैंने कोई मिक्स नहीं किया, ज़्यादा डायरेक्ट पेस पेस डाल रहा हूँ, है ना, इसी को कहते हैं पेस वर्क। काम पेंटिंग, हम लोग का पेंटिंग का नाम बहुत होता है, तो फिर इसी तरीके से हम लोग एक एक बनाएंगे, एक एक देखेंगे, तो हम लोगों को क्या होगा याद आएंगे, यानी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इसी से करने से जानकारी हासिल होता है, और नहीं करने से कुछ सीखने को नहीं मिलता आपको। जैसे आप दिखा रहे हो मैं, फिर
ये जो कलर है किस कलर से कर रहे हो, मैं एक तो वाटर कलर ही है प्लस हम पेस्ट वर्क लगा रहे हो इसमें, चाहे एक्रेलिक ऑयल पोस्टर पेस्ट जो भी काम करना है, तो इस तरीके से जब काम देखेंगे तो फिर क्या बोलेंगे आप, पेस्ट वर्क। देखो देखो जितना भी कलर किया मैंने अभी सारा पेस्ट वर्क ही है। और अभी जो ये व्हाइट स्पेस देख रहे हैं हमें, और इसमें कुछ आप बना सकते हैं जैसे मैंने पहले सिखा किया है, तो उसी तरीके से आप कुछ डाल सकते हैं बुक कवर में क्या अच्छा लगना चाहिए। जैसे देखो मैं सिर्फ इसको भी पेस्ट वर्क ही डालेंगे हम, इस तरीके से थोड़ा सा व्हाइट डालना है इसमें। देख ये क्या होगा, पेस्ट वर्क से ही हम कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है इसमें। जब तक स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे इसी तरीके से आप कर सकते हैं, देखो मैंने सारा कलर डाल रहा है इसमें, पेस्ट वर्क ही हो रहा है इसमें। आप देखो मैंने इसमें ये ग्रीन भी डाल रहा हूँ, इसी तरह का पेस्ट ही हो रहा है इसमें, पेस्ट कम है। मैंने लाइट डार्ट्स हर से कलर इसी में डाल रहा हूँ, इधर कलर उठा रहा हूँ और डाल रहा हूँ इसमें। जब आप स्टडी करेंगे तो कितना आसान लगता है, और कोई दूसरा आदमी करते हुए देखते हैं तो फिर और भी आसान लगता है, और खुद करने जाएंगे तो फिर बोले क्या क्या कैसे कलर डाला है ये सब, वो सब होता है। तो इसलिए ज़रूरी है हमें देखने के साथ साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसमें पेस वर्क देख रहा है, यानी पेस काम ही देख रहा है इसमें भी। फिर नीचे वाला थोड़ा सा, पास वाला थोड़ा सा डार्क डाल सकते हैं आप, डार्क टोन। देखो इसमें बना दिया मैंने इस तरीके से, देख एक लैंडस्केप भी बन गया इसमें, जो बुक कवर है उसी में एक लैंडस्केप भी बन गया, तैयार हो गया। फिर मैंने साइड में क्या है आउटलाइन डाल सकता हूँ अभी, जैसे इसके सामने मतलब ये जो है मैं यहाँ से आउटलाइन डाल सकता हूँ क्योंकि अच्छा लगने लगेंगे। इस तरीके से आउटलाइन बॉर्डर हो गया ये। आप में इसको नाम लिख सकते हैं, जैसे आर्ट बुक का नाम लिख सकते हैं। देखो देखो आर्ट यानी बुक कवर हो गया, तो फिर बुक कवर के ऊपर नाम लिखना है मुझे अभी, क्या लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी, ये है इस तरीके से नाम डालेंगे हम। इसको हाईलाइटेड करना है मैम। देखिए मैंने बुक कवर फाइनल किया है, इसी तरह से फाइनल करना है, देखा आउटबुक और ये वेपन, ठीक है। थैंक यू सो मच।